आदाब नाजरीन, आईए एनडी टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। गोलकुंडा के तारीखी बोनाल के सिलसिले में एक आला सतह इजलास आज गोलकुंडा में वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव की सदारत में मुनक्किद हुआ। मकामी रुकन असम्बली कौसर मुहीद्दीन, जोनल कमिश्नर मुशरफ फारूकी, डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक बाबू राव के अलावा बल्दिया आबरासानी बरकी बोर्ड और महकमे टूरिज्म के अहदेदार शरीक थे। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री श्रीनिवास यादव ने बताया कि बोनाल के पेश नज़र 3 करोड़ रुपये सड़कों की तामीर और मरम्मत, LED लाइटिंग और 3D मैपिंग पर खर्च किए जाएंगे। कौशल मुहीद्दीन ने जियागुड़ा ताज गोलकुंडा सड़क के दोनों जानब मलबे और मट्टी हटाने के काम को जंगी तौर पर शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि जुलूस के रास्तों पर ड्रेनेज के ओवरफ्लो होने की शिकायत हमेशा मिलती रहती हैं, चुनाचे इसका भी इजाला किया जाना चाहिए। कौशल मुहीद्दीन ने कहा कि चूँकि तेलंगाना में मानसून ताखिर से आ रहा है, बल्दिया के लिए अच्छा मौका है कि वो सारे रुके हुए काम जल्द से जल्द मुकम्मल कर ले। उन्होंने कहा कि बल्दिया के अहदेदारों से अपनी मुतअद्दिद नुमाइंदगियों में भी उन्होंने इस जानिब तवज्जो अफजल करवाई है। रुकन असम्बली ने कहा कि कारवान में हिंदू मुस्लिम अपने ईद और त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं और ये कौमी यकजहती की एक मिसाल है। अंदर अधिकार इक स्थाक प्रजाप्रतिनिध कॉर्पोरेट पार्टी नायक अन्नी पोलिटल पार्टी की संबंधी नायक इधर गोप पड़ग मन संस्कृति सांप्रदाय दी वैभवपेत ब्रह्मांड जुटा की प्रभुत्म विधाल कार्यक्रम चेदोड़ बाधोड़ उ गवर्नमेंट द्वारा वे बेनिफिट लेकिन डेवलपमेंट वेलफेर प्रोग्रम मरी पूर्ति स्थाई निमग्न रेडोदी कारवा गोलकोंडा प्रतीक उ। और ख़ास तौर से जो गोलकुंडा किले का जो रियासत तेलंगाना 2014 के अंदर जब नई रियासत बनने के बाद गोलकुंडा किले का तेलंगाना का सबसे बड़ा बोनाल यहां पर ही किया जा रहा है। वैसे तो हैदराबाद शहर के अंदर मुख्तलिफ शहर इलाका जात के अंदर किया जाता था, मगर यहां पर हुकूमत तेलंगाना TRS के बनने के बाद हमारे CM साहब ने ऐलान किया था गोलकुंडे का किले का जो हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन का जो प्रोग्राम रहता है। मगर मेरी एक शिकायत खास तौर से जो 2014 से लेकर 2000 साबिका में 2017-18 के दरमियान में जब हमारे साबिका DCP साहब थे वेंकटेश्वर साहब, मैं समझता हूं 2016 के दरमियान में ईद रमजान का ईद का दिन था या ईद के एक दिन पहले का जो प्रोग्राम था बोनाल का, मगर हमारे हैदराबाद वो मेरे कारवान के गोलकुंडे के तमाम उस मीटिंग के अंदर शिरकत करे और कर हम खुद तयकुन दिए थे कि आप बिल्कुल इत्मीनान से आपका फेस्टिवल कीजिए, हम आपके साथ में हैं। मैं और साथ ही साथ ये भी बताना चाह रहा हूं यहां पर जो हमारे GHMC के हो, महकमे पुलिस के हो या एंडोमेंट के हो या दीगर डिपार्टमेंट्स के जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के RTC के, मगर ये तमाम के तमाम सिर्फ आज की मीटिंग के अंदर यहां पर शिरकत करें। जिस वक्त भी प्रोग्राम रहता ये जो महकमे सिर्फ यहां पर नजर आते हैं तो एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एक वाटर वर्क्स, एक GHMC ये RTC के महकमे के लोग दिखते हैं, दीगर इंडोमेंट और दीगर कोई डिपार्टमेंट वाले नजर नहीं आते। और सबसे बड़ा जो मसला है जो हमारे गोलकुंडे किले को आने का जो इतवार के दिन या जुमेरात या चाशमे को जो बोनाल का फेस्टिवल रहता है यहां पर ट्रैफिक का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हों, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।